गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। किड्स, आई एम योर हिंदी टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टेक हिंदी लैंग्वेज क्लास। बच्चों, पिछली कक्षा मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में फर्स्ट टर्म का कोर्स कंप्लीट करा दिया है, तो अब मैं आपको सेकेंड टर्म का कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक हिंदी लैंग्वेज का वर्क पढ़ेंगे, समझेंगे और कम्प्लीट करेंगे। शुरू करते हैं सेकेंड टर्म का कोर्स। सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की बुक निकालेंगे, स्वरांजलि पेज संख्या 23 यानी 23, पार्ट 5, पार्ट का नाम है लिंग। लिंग बच्चों, लिंग क्या होता है? जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। आते हैं लिंग की परिभाषा पर। लिंग की परिभाषा क्या है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते। जैसे बालक बालिका, मोर मोरनी आदि। एक बार फिर से परिभाषा रिपीट करते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते। जैसे बालक बालिका, मोर मोरनी आदि। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है बच्चों? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे दादाजी, लड़का, बैल आदि। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। ग्रह, धातु, रथ, वृक्ष, अन्न आदि शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, सोना, पीपल, गेहूं आदि। दिन, महीने, सन आदि को पुल्लिंग गिना जाता है। जैसे सोमवार, जनवरी, पौष आदि। फिर है शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर आदि। देशों के नाम, समुद्र के नाम तथा वर्णमाला के वर्ण प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, अरब सागर, क आदि। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में एरा, खाना, दान और बाला आते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे चचेरा, कैद खाना, कलम दान, दूध वाला आदि। जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन, क, त्व, आव, औड़ा हो वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे छाता, बहाव, बुढ़ापा, बचपन, गायक, देवत्व, पहनावा, हथौड़ा आदि। तो मैंने आपको जो शब्द बताए ये क्या है? पुल्लिंग रहते हैं। ये भी जाने, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं बच्चों जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे तोता, कछुआ, खरगोश, कौवा, उल्लू, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, भालू, गरुण आदि। नंबर 2, स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे दादी जी, लड़की, गाय। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। पुस्तकों व लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, रामायण आदि।
भाषा बोलियों व नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अवधि, रोहिणी आदि। कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जीभ, आंख आदि। हिंदी की तिथियां स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया आदि। भोजन मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, पूरी, जलेबी, हल्दी, मिर्ची आदि। खाड़ियों, पहाड़ियों व इकारांत शब्द के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, अरावली, लड़की, टोपी आदि। ये भी जाने सदैव स्त्रीलिंग शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कोयल, मक्खी, गिलहरी, छिपकली, तितली, मछली, मैना आदि। ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। आ जोड़कर छात्र, छात्रा, प्रियतम, प्रियतमा, वृद्ध, वृद्धा, मूर्ख, मूर्खा। बड़ी ई जोड़कर ब्राह्मण, ब्राह्मणी, देव, देवी, दास, दासी, पुत्र, पुत्री। नी जोड़कर मोर, मोरनी, जाट, जाट, जाटनी, हाथी, हथनी, ऊंट, ऊंटनी। इया जोड़कर चिड़ा, चिड़िया, बुढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया। इन जोड़कर माली, मालिन, तेली, तेलिन, धोबी, धोबिन, कहार, कहारिन। आनी जोड़कर इंद्राणी, इंद्र, इंद्राणी, देवर, देवरानी, चौधरी, चौधरानी, भव, भव, भवानी। आ इन जोड़कर गुरु, गुराइन, पंडित, पंडिताइन, बाबू, बबुआइन, बनिया, बनियाइन। इका जोड़कर अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका, बालक, बालिका, पाठक, पाठिका। मती और वती जोड़कर बलवान, बलवती, भाग्यवान, भाग्यवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती। त्री जोड़कर नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता, कर्त्री, विधाता, विधात्री। ऐसे शब्द जो पूर्ण रूप से बदल जाते हैं, पिता, माता, युवक, युवती, सम्राट, सम्राज्ञी, कवि, कवित्री, पति, पत्नी, बिल्ला, बिल्ली, भाई, भाभी, विद्वान, विदुषी, विदुर, विधवा, राजा, रानी, बैल, गाय, ससुर, सास, आदमी, औरत, नर, मादा। ये भी जाने विशेष शब्द। प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि शब्द दोनों लिंगों में समान रहते हैं, क्योंकि ये पद होते हैं। प्रधानमंत्री पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी। इसी तरह डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी। हमने आज क्या सीखा? लिंग स्त्री या पुरुष का बोध कराते हैं। लिंग किसका बोध कराते हैं? स्त्री या पुरुष का बोध कराते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी आदि शब्दों का दोनों लिंगों में प्रयोग किया जाता। तो बच्चों, आज मैंने आपको हिंदी में लिंग समझा दिया है, जिसको आपको घर में पढ़ना है, और जो मैंने ये शब्द पढ़ाए हैं जोड़ करके वो याद भी करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।